मिलॉर्ड कहने पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, बोले बार बार ये कहना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट के जज का गुस्सा देख सोशल मीडिया पर लोग हुए हैरान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सुप्रीम कोर्ट में जब कार्यवाही चल रही होती है ना, तो इस दौरान कई नियम कायदों को ध्यान में रखना होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी सुनवाई हो रही होती है, यानी कि जब भी कोई न्यायिक कार्यवाही हो रही होती है, तो वकील बहुत ज्यादा नियम कायदों का पालन करते हैं। इनमें से एक नियम ये भी होता है कि वकीलों के जरिए जज के लिए दो खास शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक तो इनमें से शब्द है मिलॉर्ड और दूसरा है योर लॉर्डशिप। अंग्रेजों के जमाने से ये प्रथा चली आ रही थी, फिर आजादी के बाद भी इसे कायम रखा गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लगभग 7 दशकों से इन्हीं दो शब्दों का इस्तेमाल मौजूदा अदालतों में भी हो रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि किसी वकील द्वारा बार बार किसी जज को मिलॉर्ड कहना उन्हें भारी पड़ गया, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, और ये आपत्ति किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही जताई। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताते हैं। दरअसल जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा, आप कितनी बार मिलॉर्ड कहेंगे? जस्टिस पीएस नरसिम्हा बार बार खुद को मिलॉर्ड कहने से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप वकील ऐसा कहना बंद कर देंगे ना, तो मैं आपको अपनी आधी सैलरी देने के लिए भी तैयार हूं। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस वक्त पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, उस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता बार बार जज को मिलॉर्ड मिलॉर्ड कहकर संबोधित कर रहे थे, जिसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि पिछले 70 सालों से भी यही रिवाज चला आ रहा है और आजादी से पहले भी जजों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील पीएस नरसिम्हा को ये शब्द अच्छा नहीं लगा और वो इस पर नाखुश होते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि अगर वकील ऐसा कहना बंद कर देंगे, तो उन्हें वो अपनी आधी सैलरी देने के लिए भी तैयार है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। आपको ये भी बताते चलें, जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने वरिष्ठ अधिवक्ता को ये नसीहत दी कि आप इसके बजाय मुझे सर कहकर क्यों नहीं पुकारते, आप इसके बजाय सर का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि अगर आप बार बार मिलॉर्ड बोलेंगे, तो मैं बार बार इसे गिनना शुरू कर दूंगा और कितनी बार आपने मिलॉर्ड शब्द का उच्चारण किया है ये आपको बताऊंगा। जज की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, खुद वरिष्ठ अधिवक्ता के भी होश उड़ गए। बहरहाल आपको बताते चले, भारतीय विधिज्ञ परिषद ने 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि जब भी कोई वकील न्यायाधीशों के सामने अपनी दलील पेश करेगा, तो उनको मिलॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेगा। लेकिन इसका पालन नहीं किया जा सका और यही वजह है कि जज और वरिष्ठ वकील के बीच में इस तरह की बातचीत हुई। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।